के नए रास्ते खोले छठी धुंध उत्तर प्रदेश की नई रोशनी छाई। साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इन सभी को झांकी में दिखाया गया है। और अब सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ तेलंगाना राज्य की झांकी। प्रजास्वाम्य स्थापन के पुनादि का निलचने गांधी वल्लभभाई पटेल सुभाष चंद्र बोसुलु रामजी गोंडकम रंभी वीरनारी ऐलम्मलु एंदरु यजुल समराले प्रजल हक्कुल निलिपेने स्वेच्छ कोसम पोरु चेसि वेलुगै निलिचिन रामजी गोंडु गडि कोरल गल्ला पट्टी कुंज कोट्ट चिट्टालल माजल चंकल जमीन चंकुकि तुडम कोट्ट कोमरं भीमन्न भव्य झांकी में जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी आंदोलन के योद्धा और उनके परंपरा को बखूबी दर्शाया गया है। एंड द नेक्स्ट टैब्लो अप्रोचिंग द सल्यूटिंग बेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द चंद्रयान 3 टैब्लो डिपिक्ट्स द सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून नियर द साउथ पोल। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने लगा भारत परिवार प्रगति पथ पर हो रहा देश आज गतिमान इसरो विकसित भारत की पहचान। भास्कर रोहिणी से शुरू हुआ इसरो का सफर चंद्रयान और मंगलयान से पहुंचा नई ऊंचाइयों पर रंग कन्यान मिशन से रचे नया इतिहास इसरो विकसित भारत की पहचान की पहचान इसरो विकसित भारत की पहचान। द नेक्स्ट टैब्लो अप्रोचिंग इज ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR. The visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research aligns with the Viksit Bharat theme and is on the purple revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir. Highlighting agro-technical developments, the distillation unit for extracting essential oil from lavender flowers. लेवेंडर हर एक खेत में लगाओ ई ट्रैक्टर घर घर ले आओ कम लागत में मुनाफा कमाओ सारे किसान एक लक्ष्य बनाओ CSIR संग बढ़ते जाओ। कितना आसान लेवेंडर लगाना नहीं The All-Women CSIR Tableau showcases achievements under government's initiatives of scientific developments. और अब इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई। ये झांकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है जिसका देश के स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। साथ है बदल रहे हैं हम आत्मनिर्भर भारत यहाँ शिक्षा चिकित्सा समाज को मिल रहा है साथ नया। और अब कर्तव्य पथ पर शान से सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ पतन
पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की झांकी जो सागरमाला प्रोजेक्ट पर आधारित है। मंत्रालय द्वारा महिलाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ नीली अर्थव्यवस्था की संचालक नारी शक्ति को इस झांकी में दर्शाया गया है। सागर तट संपन्न बन रहे, सफल हो रहे नए प्रयास, अधिक हुई क्षमता। And the next tableau arriving is of ITBP, Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs tableau on vibrant villages through symbolism and various themes depicts how rich culture, activities and infrastructure development, including roads in the vibrant villages, are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. The next tableau is of Ministry of External Affairs. The MEA tableau depicts successful completion of India's G20 presidency and its achievements. It reflects India's leadership of addressing global issues in an ambitious, decisive, inclusive, and action-oriented manner. Dharti ek kutumb hai, judega chhor chhor. Aasha se vishv dekhna. G20 अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया, दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया। मिलकर हम सब साथ चलेंगे, तभी मिलेगी वो आशा से विश्व देखता है भारत। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम झांकी। झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपान चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र एकता का उत्सव है। साथ ही दोहराती है कि मतदाता की पृष्ठभूमि इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब। इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बखूबी प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है।
संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है।